हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स को बता दें, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसबी भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों को पता होगा कि इसका ऑफिशियल सर्कुलर जारी हो गया है। जब से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है तब से मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखे जा रहे हैं, सर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। बहुत से कमेंट देखे जा रहे हैं कि सर हाइट कितनी मांगी है, चेस्ट कितना मांगा है, अलग अलग पोस्ट के लिए, कोई ट्रेड्समैन के लिए बोल रहा है, कोई ड्राइवर के लिए बोल रहा है, और इसी प्रकार से बहुत से सर्टिफिकेट के बारे में डिमांड कर रहे हैं कि सर आखिरकार हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम बन पाएं तो कैसे। फ्रेंड्स को बता दें, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको हर एक कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया जाएगा। आपको जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज़ का आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साइड में घंटी का निशान दिख रहा होगा उसको दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और फैंस वीडियो को अभी लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और वन बाय वन करके हर एक इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं। हाँ तो फैंस, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि सर आखिरकार इसके लिए योग्यताएं क्या क्या निर्धारित की गई हैं। तो जैसे कि फैंस को पता होगा, यहाँ पर दो प्रकार की आपको पोस्ट देखने को मिल रही हैं, एक तो ड्राइवर के लिए और एक है आपके क्या ट्रेड्समैन के लिए। तो फैंस को बता दें, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ ड्राइवर के हाइट और चेस्ट के बारे में। तो दोस्तों आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर दिख रहा होगा ड्राइवर के लिए, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर ओनली मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, ना कि फीमेल। तो दोस्तों यहाँ पर पुरुषों के लिए हाइट रखी गई है, किसके लिए, आपकी जो कैटेगरी है UR, एंड इसके साथ साथ आपका नेक्स्ट आता है क्या, आपका आता है OBC और SC, इन तीनों के लिए हाइट कितनी मांगी है। तो दोस्तों यहाँ पर 170 सेंटीमीटर, जी हाँ दोस्तों 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए ये तो हो गया हाइट का इशू जो कि बहुत ज्यादा कमेंट्स में देखा जा रहा था। ऑफेंस बात करते हैं कि आखिरकार UR, OBC और SC वालों के लिए चेस्ट कितना मांगा है सर। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप UR, OBC और SC से बिलोंग करते हैं तो आपका चेस्ट होना चाहिए 80 और फुलाने के बाद हो जाना चाहिए 85। कहने का मतलब 5 का डिस्टेंस होना चाहिए, ओके, फुलाए और बगैर फुलाए में। इसका मतलब ये नहीं कि आपका 80 ही हो और 85 ही हो, आपका 85 है तो आपका 90 हो, आपका 90 है तो 95 हो, आपका 81 है तो 86 हो, मतलब 5 का डिस्टेंस एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आना अनिवार्य है। चलिए तो हमने जाना UR, OBC और SC के बारे में, हम जानते हैं ST के बारे में। तो दोस्तों ST के लिए यहाँ पर आपका 162.5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, आपका हाइट होना चाहिए और चेस्ट होना चाहिए 76 से 81, मतलब यहाँ पर 5 का डिस्टेंस रहना चाहिए लेकिन इनका 76 चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए आखिरकार क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आगे अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि सर अभी तो आपने बता दिया ड्राइवर के लिए, अब बताइए आप ट्रेड्समैन के लिए। तो दोस्तों हम ट्रेड्समैन के लिए जाने वाले हैं इस स्लाइड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए और आपका चेस्ट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों को बता दें, यदि आप बिलोंग करते हैं किससे, आप बिलोंग करते हैं UR, कहने का मतलब सामान्य, या फिर आप बिलोंग करते हैं किससे, OBC से, या फिर आप बिलोंग करते हैं SC से। यदि आप तीनों से बिलोंग करते हैं और आप हैं क्या, मेल या पुरुष, तो दोस्तों आपकी यहाँ पर जो हाइट मांगी गई है आप देख सकते हैं, आपकी हाइट यहाँ पर कमा दी गई है। आपकी हाइट होनी चाहिए 167.5 या 167.5 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार से आपका चेस्ट है कितना, 80 से 85, चेस्ट का मेजरमेंट वो रहने वाला है। अब फ्रेंड्स इसी प्रकार से बात कर लेते हैं ST से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट यहाँ पर 162.5 या 162.5, और आपका जो चेस्ट है वो रहेगा 76 से 81, वो सेम, ओके। अब सर ये तो हुआ पुरुष के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए क्या है। तो दोस्तों फीमेल के लिए जैसा कि आप जानते हैं, आपका कोई भी डिफेंस का एग्जाम है, यहाँ पर चेस्ट की कोई मेजरमेंट नहीं रहती, तो यहाँ पर चेस्ट की कोई मेजरमेंट नहीं है फीमेल के लिए, बट यहाँ पर आपका जो हाइट है फीमेल के लिए UR, OBC, SC तीनों से बिलोंग करती हैं तो यहाँ पर 157 एंड यहाँ पर ST के लिए 150, इतनी आपकी हाइट होना अनिवार्य है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए हमने यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर हर एक चीज जान ली है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड हमारा जो पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसीजर या चयन प्रक्रिया के ऊपर। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो डियर फ्रेंड्स हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं सर इसका जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बता दें आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो चार स्टेप में होने वाली है, मतलब कि चार फेज में होने वाली है। पहला पहला रहेगा आपका क्या दोस्तों, फिजिकल। देन इसके बाद आपका सेकंड रहेगा क्या, लिखित या रिटर्न एग्जाम। थर्ड आपका रहेगा टेट टेस्ट जो कि मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपका फोर्थ लास्ट रहेगा क्या, मेडिकल। देन इसके बाद आपकी जो मेरिट होगी वो आउट कर दी जाएगी और आपका सिलेक्शन डन हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या होगा सर जरा ये बताइए। तो दोस्तों आपको इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, बट यहाँ पर मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ क्योंकि हमारी वीडियो की लेंथ जा रही है ज्यादा और हमको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए फिजिकल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है रनिंग, मैं आपको रनिंग के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सर मेल के लिए कितनी रनिंग करनी होगी और फीमेल के लिए कितनी रनिंग करनी होगी, जैसे कि फिजिकल में आपकी रनिंग रहेगी। तो दोस्तों आपको बता दें यदि आप पुरुष हैं तो आपको यहाँ पर 4.8 मतलब कि 4 किलोमीटर और 800 मीटर आपको रनिंग करनी होगी। और कितने टाइम में करनी होगी, एक करनी होगी दोस्तों आपको 24 मिनट्स, कहने का मतलब 24 मिनट में आपको करीबन करीबन 5 किलोमीटर तक दौड़ कंप्लीट करते आना चाहिए। इतनी आप प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दें यदि आप इच्छुक हैं SSB में जाने के लिए। अब बात करते हैं सर फीमेल के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें यदि आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पर 2.4 जी दोस्तों लगभग 2.5 के समथिंग भी आपको यहाँ पर 2.5 किलोमीटर के समथिंग आपको रनिंग करनी होगी। कितने टाइम में वो करनी होगी दोस्तों आपको 18 मिनट, किसके लिए, फीमेल के लिए। और मेल के लिए जैसे कि मैंने बताया है लगभग 5 किलोमीटर रनिंग आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। एनी हाउ किसी भी कंडीशन में यहाँ पर कोई आरक्षण आपको मिलने वाला नहीं, इतना कंपलसरी है और करना ही होगा। ओके चलिए अब हम जानते हैं लास्ट जो कि हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कि सर कहाँ से बनवाएं और कैसे बनवाएं, किनको जरूरी है और किनको जरूरी नहीं। हाँ तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में, बताएं किसको आवश्यक है और किसको नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है। कहीं आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे और है तो किसके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों को बता दें जैसे कि आपको पता होगा यदि आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर तो दोस्तों किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है और ना ही आपका लगेगा वहां पर, सिर्फ और सिर्फ लगेगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ओके तो आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ यदि आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए और ये कंपलसरी है, यहाँ पर एक्सपीरियंस में कोई छूट नहीं मिलने वाली, बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो आप देख लीजिए। दोस्तों यदि आप 10th पास हैं, मात्र 10वीं पास हैं, तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। हाँ यदि आप 10वीं पास नहीं है, आपने मतलब 2 ईयर्स ITI किया है, इसका डिप्लोमा है आपके पास, तो आपको एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं, आप एलिजिबल हैं, आप डाल सकते हैं। और यदि आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिया है और IIT सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, आप डाल सकते हैं, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। और एक बात आप लोगों को बता दें यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल लगेगा, बट आपकी इन कंडीशन में ऐसी सिचुएशन रहने वाली है, आप सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा और मैंने सिर्फ 10वीं पास की है, अब इसके लिए कोई उपाय बताइए कि आखिरकार बनवाएं तो कैसे, बिल्कुल सरल तरीके से। तो चलिए लास्ट में हम वही जानने वाले हैं। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सर अनुभव कहाँ से बनवाएं। तो दोस्तों आपको बता दें आपका जो अनुभव है या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है यदि आपने वर्क किया है, और दोस्तों नहीं किया तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि आखिरकार आपको कैसे बनवा, चलिए बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें आपका जो सर्टिफिकेट है वो 3 स्टेप में बनेगा, फर्स्ट सेकंड एंड इसके बाद आती है आपकी 3rd स्टेप। यदि आप इन तीनों को फॉलो करेंगे तो आपका बहुत इजीली बन जाएगा सर्टिफिकेट और आपका पैसा भी बिल्कुल ना के मात्र खर्च होगा। तो जैसे ही डिफेंस आप लोग जानते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, चाहे फिर आपका कोक हो, धोबी हो, माली हो
या फिर आपका सफाई कर्मचारी हो, वाटर कैरियर इत्यादि माली, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों आपके जिस सारे के सारे वर्क कहाँ कहाँ पर होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हो जाता है रेस्टोरेंट, एक तो आपका हॉस्टल हो जाता है, एक हो जाता है आपका क्या होटल या फिर आपका कॉलेज स्कूल इत्यादि। दोस्तों आपको ऐसी जगह से सर्टिफिकेट इशू करवाना है जो कि करीबन करीबन बड़ा हो, मतलब कहने का कि किसी होटल से करवा रहे हैं तो वो होटल जानी मानी होटल हो, लंबे टाइम से हो, सर्टिफिकेट हो उसके पास। या फिर ऐसा नहीं करना आपको कि भाई दो दस दिन पहले या फिर दो साल एक साल में ही कोई होटल ओपन हुई है जिसका नाम है ना कोई ठिकाना है और आप उस होटल का सर्टिफिकेट बनवा लें, ऐसा यहाँ पर मान्य नहीं होने वाला। यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट मान होगा जो कि ऑनलाइन चढ़ा हो एंड जो कि जानी मानी होटल का हो। तो दोस्तों आपको ऐसी होटल फाइंड करनी है सबसे पहले, देन इसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपने नियर बाय, सबसे पहले आपको अपने नियर बाय जो भी आपका कोर्ट हो वहां पर जाना है और उस कोर्ट में जाके आपको एक हलफनामा या एफिडेविट तैयार करना है उसी होटल के नाम से। अब जैसे आप वो एफिडेविट वहां से तैयार करा के ले आएंगे दोस्तों, वहां पर ज्यादा खर्च नहीं आता, 10 से 20 रुपए ही लगेंगे आपका, है ना, इतने में तैयार हो जाएगा। देन इसके बाद आपको होटल में जाके सारा का सारा मैटर आप पहले वहां पर तैयार कर लेंगे आपके हलफनामे में, होटल में जाके सील और वहां के हर एक चीज जो कि आपका वहां पर मैटर आप तैयार कर लेंगे, वहां पर सील लगवाएंगे, साइन करवाएंगे, आपसे वहां पर बोला जाएगा कितने टाइम ने आपने कितने साल वर्क किया है, मतलब एक साल किया है दो साल किया है, आपको सारा का सारा वहां पर डिटेल्स देना होगा, आपको कितनी तनख्वाह मिली थी आपको ये भी बताना होगा, आपका वहां पर व्यवहार कैसा रहा आपको ये भी दर्शाना होगा। ओके, इतना सब कुछ करने के बाद आपकी फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको जाना है आपकी नियर बाय कोर्ट में, वहां पर एफिडेविट तैयार करना है, आपको सारा का सारा बॉय मैटर लिखना है जो कि एक आपकी पोस्ट के लिए रहता है, यदि आपने सफाई के लिए बनाया है, यदि आपने धोबी के लिए, यदि आपने कुक के लिए, अदर माली के लिए जो भी आपने किया है वर्क, आपको डिटेल्स सारी की सारी वहां पर देनी है। ओके, आपको कितनी तनख्वाह दिया जाता था, आपने वहां पर कितनी तनख्वाह से स्टार्ट किया हर एक चीज और आपने कितने टाइम किया, ये सारी चीज आपको वहां पर देनी है। आपके तैयार होने के बाद आपका जो होटल मालिक है, रेस्टोरेंट है, कॉलेज है, कहीं पे भी आपको उनकी सील लगवा लेनी है, आपको उनके साइन सब कुछ करवा लेना है। थर्ड आपकी स्टेप रहेगी क्या, आपको जाना है नोटरी वाले के यहाँ पे, आपने देखा होगा नोटरी वाले उसको सर्टिफाइड कर देते हैं, मतलब कि ऑनलाइन चढ़ा देते हैं। जी दोस्तों, वहां पर आप जाएंगे तो आपको वहां पर सर्टिफाइड करवा लेना है, आपका प्रमाणित करवा लेना है, वहां पर भी वो सील लगाएंगे, हर एक चीज करेंगे, ऑनलाइन कर देंगे। इन तीन स्टेप को फॉलो करके आप अपने सर्टिफिकेट को इशू करवा सकते हैं और आपकी जो झंझट है वो सॉल्व हो जाएगी। एक उस बड़ी प्रक्रिया नहीं, आप चाहें तो इसको दो दिन एक दिन में कंप्लीट करा सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा करा सकते हैं। और मेरे हिसाब से यदि आपका कोई पहचान का किसी होटल में वर्क करता हो या फिर आप किसी भी जानी मानी होटल में जाते रहते हैं तो वहीं से इशू करवाइएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है यदि आप बगैर पहचान के होटल में जाएंगे तो आपसे वहां पर इस चीज के लिए वो क्या मनी मांगेंगे और मनी भी थाउजेंड्स के ऊपर। तो आप जाने माने लोगों के साथ में जाइए, अपनी पहचान में जाइए तो आप वहां पर काम में काम चला लेंगे, करीबन 100-200-500 के समथिंग। और यदि आपने वर्क किया है तो किसी भी प्रकार की आपको टेंशन है ही नहीं, फिर तो आपका काम फ्री में भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही एडवाइस देनी थी, आपने यह एडवाइस ली, आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा परेशान है। और सर्टिफिकेट तो आप बनवा ही लें, ना कि आज आने वाले समय में भी आपको काम पड़ेगा। आपने देखा होगा CISF हो, CRPF हो या फिर आपका जो SSB है, सभी में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कितने मायने रखता है, यहाँ पर मार्क्स भी आपको दिए जाते हैं। और दोस्तों आपसे बता दें, यदि आपने वर्क किया है तो अच्छी बात है, वर्क नहीं किया तो आपको ज्यादा टाइम का सर्टिफिकेट इशू नहीं करवाना है क्योंकि आप फंस जाएंगे। ओके, तो ओके डेफेंस लेते हैं आपसे विदा। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर।